जब भगवान शिव ने बाल गणेश को प्राण मंत्र से पुनर्जीवन दिया था, तब उन्होंने ये घोषित किया कि कोई भी काम करने से पहले बाल गणेश की पूजा अनिवार्य होगी। जब तक गणेश जी की पूजा नहीं होगी, तब तक कोई भी काम सफल नहीं होगा, फिर वो किसी भी भगवान की क्यों ना हो। फिर एक दिन क्या प्रभु, आप भी मुझे सता रहे हो इन लोगों की तरह? अच्छा, तो अगम बगम और ब्रिंगी तुम्हें सताते हैं, वो कैसे? हर रोज ये बड़े बड़े ग्रंथ लेके आते हैं और मुझे कहते हैं पढ़ के सुनाओ। आपको तो पता ही है, मैं तो अभी पढ़ना सीख रहा हूँ, और जब मैं ठीक से नहीं पढ़ पाता तो ये सब मुझ पे हंसते हैं। हाँ, ठीक बोला गम, पढ़ेगा नहीं तो सीखेगा कैसे? इसीलिए तो मूषक महाराज के लिए हम ग्रंथ लेके आते हैं। हाँ, और मूषक महाराज ग्रंथ के अर्थ का अनर्थ कर देते हैं। ये नंदी क्यों भागा चला आ रहा है? प्रभु, प्रभु, प्रणाम प्रभु। क्या त्रिपुरा नगरी पर आक्रमण? इतनी पवित्र धरती पर राक्षसों का आक्रमण? नंदी, सभी गणों को युद्ध के लिए इकट्ठा करो, हम स्वयं त्रिपुरा नगरी को बचाने जाएंगे। क्या हुआ भगवान? भगवान? नंदी, मैंने एक भूल की है। भूल? आपसे? हाँ नंदी, मैं गणेश का नाम स्मरण करना भूल गया। मैंने ही कहा था कि कोई भी कार्य आरंभ करने से पहले गणेश की पूजा करना आवश्यक है, और मैं स्वयं ही भूल गया। तो हमें अपनी भूल सुधारनी होगी प्रभु। वक्रतुंड महाकाय सूर्य कोटि समप्रभा निर्विघ्नं कुरु मे देव सर्व कार्येषु सर्वदा। गम, तुम क्या बोल रहे हो, मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा। क्षमा करना माते, वो भोलेनाथ ने मुझे कुछ काम दिया था, इसलिए मैं अगम के साथ नहीं आ पाया। अच्छा हुआ तुम आ गए बगम, वरना पता नहीं ये कब से हू हा कर रहा है। अब जल्दी से बताओ क्या काम है। माते, हम नीचे गांव में जा रहे हैं,
अगर आपको कुछ सामान मंगवाना है तो बताइए, हम आते वक्त ले आएंगे। नहीं, मुझे कुछ नहीं चाहिए, बस तुम दोनों जल्दी आ जाना ताकि हम सब साथ मिलकर भोजन कर सके। और तुम अगम जल्दी से बोलना सीख लो ताकि मुझे समझ आ सके कि तुम क्या बोल रहे हो, समझे? अरे कोई है, कहाँ गए सब? अरे ओए ए! कोई है? ओ ओ ओ ओ! यहाँ के लोग जरूर किसी मुसीबत में फंस गए हैं। तुम वहाँ ढूंढो, मैं जंगल की तरफ जाके ढूंढता हूँ। अगम, पहले सांस ले लो फिर बोलो। अगम, तुम जाके बग्गम को बुला लाओ, हमें कुछ समझ नहीं आ रहा तुम क्या कह रहे हो। नंदी, ब्रिंगी, मूषक, चलो, लगता है बग्गम किसी मुसीबत में फंस गया है। अगम उठो और बताओ तुमने आखिरी बार बग्गम को कहाँ देखा था। नंदी, ब्रिंगी, मूषक, तुम सब अलग अलग दिशा में जाओ और बग्गम को ढूंढो। अगम, तुम मेरे साथ चलो। बाल गणेश, जिस किसी ने भी ये किया है काफी बड़ा और शक्तिशाली लगता है। हाँ, और गांव में एक भी इंसान नहीं है प्रभु। बचाओ, 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 वो मुझे मार डालेंगे, वो मुझे मार डालेंगे। कौन मार डालेंगे? वो पहाड़ी के पीछे। नहीं नहीं, वो मुझे मार डालेंगे, मार डालेंगे। जिन्होंने भी ये किया है वो उस तरफ पहाड़ी के पीछे है, हमें वहाँ जाना होगा और उनके बारे में पता लगाना होगा। ये तो पाताल भैरवी के राक्षस है, पर ये सबको बंदी बनाकर क्यों ले जा रहे हैं? मुझे शंका है ये जरूर इन सब लोगों की बलि चढ़ाने वाले हैं। बलि? देखो, पाताल भैरवी के राक्षस बहुत ही शक्तिशाली है, चाहे कुछ भी हो जाए हमें उनका सामना डट के करना होगा। नंदी, तुम दक्षिण से हमला करोगे, ब्रिंगी तुम उत्तर से, और अगम तुम पूरब से। प्रभु, मुझे क्या करना होगा? जब देखो तब मुझे ही फंसा देते हैं। इतने बड़े राक्षस का सामना करने मुझे ही भेज दिया, वो भी सामने के द्वार से। कोई है? अरे मैंने कहा कोई है? पाताल भाई, अरे कोई? ओम हिम शिम, ओम हिम शिम, ओम हिम शिम। हाँ,
नंदी, अच्छा हुआ तुम मिल गए। ये तो बड़ी भयानक जगह है। मैं कैसे बच बचाता आया हूँ सिर्फ मैं ही जानता हूँ। इतना बड़ा राक्षस। देखो राक्षस, चाहे तो हम तुम्हें मार मार के समझा सकते हैं, या फिर तुम चाहो तो हम तुम्हें बड़े प्यार से बात करके भी समझा सकते हैं। बोलो, क्या पसंद है तुम्हें? जरा आप सुनो, क्या आपने आप को देखा है कभी? 8 हाथ 4 मुंह और 8 सींग। नहीं, मैं तो वो तो। कितनी कठिनाई होती होगी तुम्हें ऐसे रहने में, और तुम पाताल भैरवी का साथ दे रहे हो जो सिर्फ अपने स्वार्थ के लिए काम करता है। उसकी जरूरत खत्म हो जाएगी तो वो तुम्हारी मदद बिल्कुल नहीं करेगा। अगर तुम बाल गणेश की शरण में आ गए तो वो तुम्हें माफ कर देंगे और एक अच्छा इंसान बना देंगे। कुछ समझ में आया तुम्हें? बाल गणेश, तुम लोगों को बाहर निकालो, मैं इन्हें देख लाऊं। किसकी इतनी हिम्मत? सामने आए! कौन है? कौन है? पाताल भैरवी, इन्हें मैंने ठिकाने लगाया है, और अगर तुम यहाँ से चुपचाप नहीं गए तो तुम्हारा भी यही हाल होगा। बाल गणेश, बाल गणेश, शिव का पुत्र बाल गणेश, मेरे तो भाग्य ही खुल गए। मैं तो इन निर्बल और कमजोरों की बलि चढ़ाने वाला था, लेकिन अब मैं तुम्हारी बलि चढ़ाऊंगा और सबसे ज्यादा शक्तिशाली बन जाऊंगा। फिर पृथ्वी लोक, देव लोक और कैलाश पर राज करूंगा। राज! क्या क्या तुम्हें लगता है मैं तुम लोगों को छोड़ दूंगा? मैं तुम सब लोगों को मार दूंगा। तुम्हें लग रहा होगा ना कि मेरी विशाल राक्षस सेना को मार कर मुझे भी मार दोगे, है ना? तो खड़े क्यों हो? मारो, मारो! अरे मारो ना! क्या हुआ? पाताल भैरवी, तू तो गया। पाताल भैरवी, मेरे भक्त जब भी दिल से कुछ मांगते हैं तो मैं उन्हें वो दे देता हूँ। बस सिर्फ श्रद्धा सच्ची होनी चाहिए। तूने सच्ची श्रद्धा से मांगा है तो मैं तेरी इच्छा अवश्य पूरी करूँगा। तथास्तु। अरे वो क्या देख रहे हो? मार दो इन सबको। इतने सारे राक्षस, इनकी संख्या तो बढ़ती ही जा रही है प्रभु। इनको मारते मारते तो शाम हो जाएगी, तब तक तो बहुत भूख लग जाएगी। उसकी चिंता मत करो भृंगी, मैं सब संभाल लूंगा। वाह वाह, अब आएगा मजा। मार दो इन्हें। अरे रुको, रुको! क्या कर रहे हो? आपस में नहीं लड़ो, बाल गणेश को मारो, बाल गणेश को मारो! मार डाला मुझे। क्या क्या नहीं किया मैंने इनके लिए, और आज मुझे ही, हाय मेरी कमर। बाल गणेश, मैं तुम्हें नहीं छोड़ूंगा। अच्छा हुआ तुम्हारे दैत्यों ने ही तुम्हें ठिकाने लगा दिया। अब बाकी का काम मैं ही पूरा कर देता हूँ, तुम्हें पाताल लोक बेच कर। बाल गणेश!
बग्गम। बाल गणेश की जय। बाल गणेश की जय। बाल गणेश की जय। बाल गणेश की जय। आप भीतर कैसे आ गए? नंदी ने आपको रोका नहीं? प्रिय, वो तो मेरा दास है, उसकी क्या मजाल कि वो मुझे रोक सके। पर मैंने उसे पहरे पर बिठाया था, उसे इस तरह मेरी आज्ञा का अपमान नहीं करना चाहिए था। पर मैं तुम्हारा पति हूँ, मुझे रोकने का क्या कारण? नंदी ने ये ठीक नहीं किया, लेकिन वो भी क्या करता, स्वामी भक्त है, उसे अपने स्वामी को रोकने की हिम्मत नहीं हुई होगी। मुझे एक ऐसा गण चाहिए जो बुद्धिमान हो, साहसी हो और मेरी आज्ञा का पालन करे। मैं खुद एक ऐसा गण बनाऊंगी। कर अद्भुत संकल्प ये मन में, माँ गौरी छूट गई जतन में। कर अद्भुत संकल्प ये मन में, माँ गौरी छूट गई जतन में। पुत्र गणेश। जी माँ। देखो पुत्र, मैं स्नान गृह में स्नान करने जा रही हूँ, तुम द्वार पर बैठो और जब तक मैं ना कहूँ किसी को भी अंदर मत आने देना। जो आज्ञा माते, मैं किसी को भी अंदर आने नहीं दूंगा, आप निश्चिंत होकर स्नान करें। रुकिए, क्षमा करे प्रभु, आप अंदर नहीं जा सकते। नन्हे बालक, तुम कौन हो और मेरा रास्ता क्यों रोक रहे हो? मैं गौरी पुत्र गणेश हूँ और माता के आदेश का पालन कर रहा हूँ। उनका आदेश है कि जब तक वो आज्ञा ना दे, किसी को भी भीतर आने ना दिया जाए। गौरी पुत्र, तब तो ये आदेश मेरे लिए नहीं है, क्योंकि मैं गौरीपति शिव शंकर हूँ। द्वार से हट जाओ बालक। कदापि नहीं, जब तक माँ आज्ञा नहीं देती, मैं किसी को भी भीतर जाने नहीं दूंगा। हट मत करो नादान बालक, सामने से हट जाओ। यह असंभव है। देखो, तुम मेरे क्रोध को नहीं जानते, रास्ता छोड़ो वरना परिणाम अच्छा नहीं होगा। परिणाम चाहे जो भी हो, सूर्य पश्चिम से निकल सकता है, चंद्रमा अपना मार्ग बदल सकता है, पर मैं अपने धर्म के मार्ग से नहीं हट सकता। मूर्ख बालक। शांत शांत प्रभु। अनर्थ, घोर अनर्थ, भगवान शंकर गुस्से में आकर अनर्थ कर रहे हैं। मुझे बीच बचाव करना पड़ेगा। रुको,
पुत्र गणेश, आपको इस तरह हट नहीं करनी चाहिए। हट मैं नहीं, पिताजी कर रहे हैं। तुम्हें पिता की आज्ञा का पालन करना चाहिए, मार्ग से हट जाओ। पिता की आज्ञा का पालन करूंगा तो माँ की आज्ञा का क्या होगा, और माँ का आदेश मैं कभी नहीं टाल सकता। जिद मत करो, बड़ों की बात हमेशा मानते हैं। द्वार से हट जाओ। मेरे लिए सबसे बड़ा स्थान माँ का है, मैं नहीं हटूंगा। इसे युक्ति से हटाना पड़ेगा, अन्यथा यदि भगवान शंकर क्रोधित हो गए तो अनर्थ हो जाएगा। देखो बालक, मेरी बात मानोगे तो मैं तुम्हें पुरस्कार दूंगा। पुरस्कार का लालच देकर आप मुझे बहलाना चाहते हैं? ये आपको शोभा नहीं देता। मुझे दीक्षा मत दो बालक, हट जाओ नहीं तो। अब डराने लगे, परंतु मैं डरने वाला नहीं हूँ। इसे वश में करने के लिए बल प्रयोग करना ही पड़ेगा, तुम्हें दंड देना ही पड़ेगा। स्वामी ने मेरे पुत्र का वध कर दिया। नहीं, पुत्र गणेश, ये आपने क्या किया प्राणनाथ? क्रोध में अपने ही पुत्र का वध कर दिया, और आप सब देवगण चुपचाप खड़े ये तमाशा देखते रहे? किसी को इस नादान बालक पर दया नहीं आई? मुझे अपना पुत्र वापस चाहिए, जीवित। आपको इसे प्राण दान देना होगा, अन्यथा मैं भी यही प्राण त्याग दूंगी। ये संभव नहीं है। मेरे शस्त्र के प्रहार से जो सरधड़ से अलग हो गया, वो फिर से जोड़ा नहीं जा सकता। तब तो एक ही उपाय है, किसी और बालक का मस्तक जो आपके शस्त्र से ना काटा गया हो, बालक गणेश के धड़ से जोड़ा जा सकता है। जाओ, किसी ऐसे बालक का सर लेकर आओ जिसका चेहरा उत्तर दिशा में, और जिसकी माँ अपने पुत्र की तरफ पीट करके सो रही हो। जो आज्ञा प्रभु। देर मत करो, यदि समय निकल गया तो ये कभी जीवित नहीं हो पाएगा। अरे मूर्खों, ये क्या ले आए? प्रभु, आपने जो आदेश दिया था उसके अनुसार यही एक बालक मिला, हम उसका मस्तक ले आए हैं। उसका मस्तक? सोचने का समय नहीं है भोलेनाथ, इसी मस्तक को जोड़कर बालक गणेश को जीवित करो। से वरदान देता हूं कि लोग युगों युगों तक इसकी पूजा करेंगे। ये अद्भुत बालक पृथ्वी वासियों का कल्याण करेगा। मैं इसे
वरदान देती हूँ कि जब भी कोई शुभ कार्य होगा तो सबसे पहले गणेश का पूजन किया जाएगा। ये बालक विद्या और बुद्धि का दाता होगा। हर मंदिर और घर में इसकी स्थापना की जाएगी। लोग इसे हमेशा लड्डुओं का भोग लगाएंगे। हमारा पुत्र अति बलशाली और बुद्धिमान होगा। मैं आज से इसे अपनी गण सेना का सेनापति नियुक्त करता हूँ।